गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एडी सिविल सर्विसेज क्लास में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम अपने इस लेक्चर में 2018 में यूपीएससी में पूछे जाने वाले एक्सपेक्टेड ऐसे की बात करेंगे, वैसे ऐसे की बात करेंगे जो 2018 के ऐसे 2018 के मेंस के पेपर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स ये जो भी एक्सपेक्टेड ऐसे का अनुमान लगाया गया है उसका आधार क्या है, इसके बारे में मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ। इसका आधार यह है कि पूर्व में जो भी ऐसे पूछे गए हैं उसका गहन अध्ययन किया गया है एवं उसका विश्लेषण किया गया है। सेकंड है कि यूपीएससी करेंट इशू टॉपिक पे फोकस करती है तो उसको ध्यान में रखा गया है। और तीसरा है कि बड़ी एवं महत्वपूर्ण घटनाएं जिनका बड़ा इम्पैक्ट भारत और वैश्विक स्तर पे हो उनको लिया गया है। और चौथा है कि वैसे मुद्दे जिनका सामना कर पाने में भारत असफल साबित हो रहा हो, ऐसे टॉपिक को चूज किया गया है। क्योंकि फ्रेंड्स, जो भी विश्लेषण किया गया था प्रीवियस ईयर का, तो उसका आकलन करने के बाद यह क्लियर हुआ था कि यूपीएससी इन्हीं बातों को ऐसे को चूज करते समय ध्यान रखती है। तो फ्रेंड्स, टॉपिक बताने से पहले कुछ बातें क्लियर करनी जरूरी है। एक तो है कि भाषा को लेकर, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर जो मैं ऐसे का मेंशन करूँगा और जो यूपीएससी में पूछा जाएगा, दोनों की भाषा में काफ़ी अंतर होगा। क्योंकि यूपीएससी की अपनी भाषा अलग है, तो उसकी भाषा को ध्यान में रखना और यहाँ पर जो बताया जा रहा है दोनों को आपको ध्यान में रखना जरूरी है। लेकिन एक बात क्लियर है कि यूपीएससी में जो ऐसे पूछा जाएगा और जो यहाँ पे बताया जाएगा, थीम दोनों की एक ही होगी, मकसद दोनों का एक ही होगा। ठीक है, तो आपको भाषा को लेकर सजग रहने की आवश्यकता है। और फ्रेंड्स, इस लेक्चर को बनाने के पीछे मेन उद्देश्य ये था कि जो भी कैंडिडेट 2018 के यूपीएससी में मेंस दे रहे हैं उनको जब क्वेश्चन पेपर मिले तो जो भी ऐसे पूछा जाएगा तो उनको वो टफ ना लगे, और जो भी कैंडिडेट नहीं भी दे रहे हैं तो कम से कम इन ऐसे पे अपनी प्रैक्टिस करें ताकि वह भी क्वेश्चंस को जो वो भी ऐसे को सॉल्व कर सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI, चुनौतियाँ एवं संभावनाएं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्रेंड्स इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि काफ़ी ये सुर्खियों में बना रहा पूरे साल, और नीति आयोग ने इस पर अपना एक डॉक्यूमेंट भी पेश किया और उसने 5 सेक्टर में AI की जो संभावनाएं हैं उसके लिए मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें एग्रीकल्चर, हेल्थ, ये सब सेक्टर शामिल थे। तो इसलिए ये टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। सेकंड है कि भारत में स्वास्थ्य सुरक्षा मिथक या यथार्थ। मिथक यानी कि फॉल्स है, यथार्थ मतलब कि ट्रू है, यानी कि क्या है, फॉल्स है कि ट्रू है, भारत में स्वास्थ्य सुरक्षा फॉल्स है या ट्रू है, इसको लेके पूछा जा सकता है। इसका मेन कारण ये है फ्रेंड्स कि आपको भी पता है कि अभी इंडियन गवर्नमेंट जो है आयुष्मान भारत मिशन एक बहुत बड़ा स्कीम लेकर आई है जो कि लगभग 50 करोड़ लोगों को कवर करेगी। तो उसको लेकर यूपीएससी जो है हेल्थ को लेकर ये टॉपिक बना सकता है। ठीक है, थर्ड है 2022 तक किसानों की आय दोगुना, मिथक या यथार्थ, यही है फॉल्स या ट्रू। ठीक है, इसके पीछे कारण यह है फ्रेंड्स कि आज किसानों के लिए तरह तरह के योजनाएं चलाई जा रही हैं, तरह तरह के उपाय किए जा रहे हैं ताकि किसानों की आय जो है दोगुना हो सके 2022 तक। तो इसके लिए यूपीएससी पूछ सकता है। पिछले बार किसानों को लेकर एक ऐसे पूछा गया था, लेकिन उसका जो डायरेक्शन था, उसकी जो भाषा थी अलग थी, इसकी भाषा अलग है, तो ये ध्यान में रखना जरूरी है। फोर्थ है एक साथ चुनाव, चुनौतियां एवं सफलताएं। एक साथ चुनाव जो है काफ़ी सुर्खियों में बना हुआ है पिछले 1-2 साल से, और इस बार ये टॉपिक और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पे अपनी राय दी थी और उन्होंने एक साथ चुनाव कराए जाने की संभावना जताई थी। इसके बाद लॉ कमीशन ने भी अपनी सिफारिशें दी है कि किस तरह से एक साथ चुनाव कराए जा सकते हैं। और फ्रेंड्स, 2019 में जो लोकसभा के इलेक्शन होने वाले हैं तो उसमें ये बात कही जा रही है कि कुछ राज्यों के चुनाव जो हैं लोकसभा चुनाव के साथ कराए जा सकते हैं। तो इसलिए ये टॉपिक जो है
पूछा जा सकता है। फिफ्थ है स्वच्छ भारत मिशन सफल या असफल। फ्रेंड्स स्वच्छ भारत अभियान जो है आपको भी पता है कि इसका जो टारगेट है 2019 तक भारत को स्वच्छ बनाना है, तो ये अपने टारगेट में कितना सफल रहा कितना असफल रहा इसका आकलन करने के लिए हम लोग के समक्ष ऐसे पूछा जा सकता है, तो यह भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिक्स है फ्रेंड्स भारतीय न्यायपालिका वर्तमान समय में गंभीर समस्याओं का सामना कर रही है। फ्रेंड्स इंडियन जो जुडिशियरी जो सिस्टम है वो इन दिनों काफी समस्याओं का सामना कर रही है। कुछ महीने पहले कुछ जजेज जो है मीडिया के सामने आकर न्यायपालिका के अंदर जो भी खामियां हैं उसका उजागर किए। आए दिन न्यायपालिका जो है जजों की नियुक्ति को लेकर जजों की संख्या को लेकर अब इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बहुत तरह के मामले हैं, केसेज को लेकर केसेज में जो देरी हो रही है उनको लेकर समस्याओं का सामना करती रही है। तो इस बार का ये मुद्दा देखते हुए ये टॉपिक भी पूछा जा सकता है। ठीक है इसके बाद है कि भारत में रोजगार सृजन की एक सीमा है। फ्रेंड्स इंडिया में अभी सबसे बड़ी जो समस्या है वो बेरोजगारी की समस्या है और ये समस्या जो है सेक्टर वाइज करके है, जैसे कि एग्रीकल्चर में उद्योग धंधे जो भी हैं और इस सेवा क्षेत्र जो है तो उनकी एक सीमा है कि कितना तक वो रोजगार दे सकते हैं और इंडियन जो यूथ है उनको कितना रोजगार मिल सकता है, स्टार्टअप्स वगैरह उनको समाहित करते हुए एक ऐसे पूछा जा सकता है, तो काफी इसका ब्रॉड दायरा लेना होगा रोजगार सृजन होगा। ठीक है इसके बाद है कि ट्रेड वार विश्व समूह के लिए खतरा है। फ्रेंड्स अभी वैश्विक स्तर पे आप देख रहे हैं कि किस तरह से अमेरिका जो है संरक्षणवाद को बढ़ावा दे रहा है, वो दूसरे देश के प्रोडक्ट पर टैरिफ को बढ़ा रहा है जैसे कि चाइना रूस इत्यादि देशों पर, और उसको काउंटर करने के लिए चीन भी अमेरिकी प्रोडक्ट पे टैरिफ को बढ़ा रहा है, रशिया भी ऐसा ही कर रहा है। तो जिस तरह से ट्रेड वार का दौर चल रहा है तो वो कैसे वैश्विक समूह के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है, भारत की उसमें क्या भूमिका हो सकती है और भारत को क्या करना चाहिए, भारत का भी एक एंगल लेना होगा, तो उसको लेकर भी ये ऐसे पूछा जा सकता है। ठीक है नेक्स्ट है कि बदलते वैश्विक राजनीतिक परिदृश्य में भारत की विदेश नीति। यहाँ पर फ्रेंड्स ये जो ऐसे होगा तो इसका जो दायरा है काफी ब्रॉड होगा क्योंकि बदलते वैश्विक राजनीतिक परिदृश्य की बात की जा रही है, तो पहले तो हम लोग को जो पूरा वर्ल्ड है उसको सेक्टर में बांटना होगा, जैसे कि पहले एशिया की लेंगे, एशिया में भी पहले हम लोग भारत के पड़ोसी राष्ट्र जो है श्रीलंका बांग्लादेश पाकिस्तान चाइना, चाइना पर ज़्यादा हमारा फोकस होगा, म्यांमार छोटे छोटे जितने भी देश हैं मालदीव वगैरह उनका एक संदर्भ लेंगे। इसके बाद फिर हम लोग मध्य एशिया में जाएंगे, मध्य एशिया में फिर ईरान हो गया सीरिया हो गया अफगानिस्तान हो गया इनका संदर्भ लेंगे। इसके बाद फिर भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है अभी किस ओर ज़्यादा झुकाव रखती है अमेरिका की तरफ चाइना की तरफ उनका संदर्भ लेंगे। इसके साथ साथ फ्रेंड्स जो इंडियन पैसिफिक जो क्षेत्र है यानी कि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र है वहाँ पे जिस तरह से चाइना का दबदबा बढ़ रहा है तो उसमें भारत की फॉरेन पॉलिसी क्या होनी चाहिए इसका भी संदर्भ हम लोग ले सकते हैं, तो काफ़ी ब्रॉड दायरा लेना होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। इसके बाद है नेक्स्ट की निजता प्राइवेसी बनाम विकास। फ्रेंड्स जिस तरह से आधार को लेकर काफ़ी सुर्खियां बनी रही इसके बाद प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट घोषित किया गया और जिस तरह से मुद्दे चलते रहते हैं कि निजता जरूरी है कि विकास जरूरी है, क्योंकि निजता जो है सुप्रीम कोर्ट ऐसा मानती है कि पहले प्राइवेसी जरूरी है, गवर्नमेंट ऐसा मानती है कि पहले डेवलपमेंट आवश्यक है, तो इन सब लेकर एक टॉपिक बनता है और इसे भी ऐसे पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स ये हुई हमारी आज की चर्चा की कौन कौन से ऐसे जो है यूपीएससी 2018 के मेंस में पूछे जा सकते हैं, तो फ्रेंड्स जो भी कैंडिडेट एग्जाम में बैठ रहे हैं इन टॉपिक पे अपनी पकड़ बनाए रखें, और जो नहीं भी एग्जाम दे रहे हैं तो कम से कम इन ऐसे को फ्रेमिंग कर लें अपने माइंड में, फ्रेमिंग कर लेंगे किस तरह से इंट्रोडक्शन लिखेंगे किस तरह से बॉडी लिखेंगे और किस तरह से कंक्लूजन लिखेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में बस इतना ही, धन्यवाद।